बांटोगे मार खाओगे। कोटा राजस्थान की एक ऐसी घटना है जहाँ पे हरे कृष्ण के कुछ भक्त लोग भगवत गीता बांट रहे थे। पुलिस ऑफिसर ने आया, उन भक्तों को मारा भी, उन भक्तों की माँ बहन की गालियाँ भी दी। आप खुद ही देख लो। हरे कृष्णा, हम लोग साइड पे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, अचानक एक पुलिस वाला आया और हम लोग की कान के नीचे बचाने लगा। दो तीन मुझे पड़े और वो आके माँ बहन से गाली देने लगा जोर जोर के कि तुम ये लोग रस्ते से साइड हो जाओ। हम लोग रस्ते के बाजू में ही थे, फिर भी आके हम लोग को दो तीन बजा के गया। फिर मेरे साथी था, उसको जाके वो मारने लगा। और ये थे वो साथी, ज्यादातर प्रभु जी को तेज पे मारा, मुझे तेज पे मारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हाथ रोकने की वजह से उसका हाथ में पीठ पे लगा और काफी तेज चला रहा था हाथ, वो जो रोकने के बाद भी बहुत तेज लगा पीठ में। आके ये प्रभु जी को भी गाली देने लगा था, तुम लोग क्या कर रहे हो। अब सोचने वाली बात है, कोटा राजस्थान में हम देखते हैं आए दिन कितने सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट के थ्रू मर जाते हैं। अब वहाँ पे अगर एक भक्त जाके भगवत गीता भागवत का प्रचार करने का प्रयास कर रहा है तो क्या ये कोई ऑफेंस हो गया? सोचने वाली बात है। आप खुद विचार करो कि किसी भक्तों को जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है भगवान के प्रचार करने में, उन भक्तों को अगर कोई माँ बहन की गालियां दें और डंडों से मारे, कितना दुख होगा। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हैं ये सारे वीडियो शेयर करें और वहाँ के ऑफिशियल अधिकारी को इसको टैग करें, उन्हें बताएं, इसकी निरपेक्ष जांच की जाए और जिन अधिकारी